हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। हरिओम तत्सत। क्या आप भी इस बारिश के कारण जिम या स्टूडियो ना जा पाने से परेशान हैं? क्या आप भी इस बारिश में अच्छी हेल्थ और फिटनेस बनाए रखना चाहते हैं? तो अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आज से ही स्टेप्स लें। एक मजबूत इम्यून सिस्टम गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल समस्याओं और आमतौर पर मॉनसून से जुड़ी अन्य बीमारियों के जोखिम को कम करता है। मॉनसून का मौसम अक्सर आपका इंटेस्टाइनल फंक्शन और डाइजेस्टिव सिस्टम को कमजोर कर देता है। इससे हमारा मेटाबॉलिक रेट स्लो हो जाता है और इससे फैट स्टोरेज बढ़ जाता है। वेट गेन से बचने और इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने के लिए कुछ योग अभ्यासों को अपने रूटीन में शामिल जरूर करें। सबसे पहला आसन है अर्धचक्रासन। इस आसन का अभ्यास से डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, पेट में जमा फैट को कम करने में मदद मिलती है। अपने चटाई या फ्लोर पर सीधा खड़े हो जाएं। दोनों तलवों के बीच कंधे के बराबर डिस्टेंस बनाए रखें। दोनों हाथों को जोड़कर फिर धीरे धीरे सांस खींचते हुए अपने हाथों को ऊपर की ओर उठाएं। सांस छोड़ते हुए हिप्स को थोड़ा सा आगे की तरफ धक्का दें। हल्का सा पीछे की ओर झुकें। अपने हाथों को कान से सटा कर रखें। कोनिया तथा घुटने सीधे रखें। सिर सीधा रखते हुए अपने सीने को छत की तरफ उठाएं। अपनी क्षमता के अनुसार इसी पोस्चर में कुछ समय के लिए रहकर सांस लेते और छोड़ते रहें। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे सीधे हो जाएं और बालासन में रेस्ट करें। चलिए दूसरा आसन करते हैं मंडुकासन। मंडुकासन करने से पाचन शक्ति मजबूत होती है। इसे हर दिन करने से कॉन्स्टिपेशन, गैस और डाइजेस्टिव सिस्टम से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स दूर होती हैं। मंडुकासन करने से किडनी और लिवर सही तरीके से काम करते हैं और बीमारियों का खतरा नहीं होता। मंडुकासन की विधि। सबसे पहले आप वज्रासन में बैठ जाएं। अब अपनी मुट्ठी को बंद करें जिसमें अंगूठे बाहर की तरफ हो। अब मुट्ठी को नाभि चक्र और जांग के पास लेकर जाएं। सांस छोड़ते हुए आगे झुकें। छाती को इस प्रकार नीचे लाएं कि वह जांघों पर टिकी हो। आप इस तरह से आगे झुकें कि नाभि पर ज्यादा से ज्यादा दबाव आए और सिर और गर्दन उठाए रखें और एक आंख खोलकर मेंढक की तरह सामने की ओर देखते रहें। धीरे धीरे सांस लें और धीरे धीरे सांस छोड़ें। यथासंभव स्थिति को बनाए रखें। फिर सांस लेते हुए अपने सामान्य अवस्था में आएं और आराम करें। ये एक चक्र हुआ। आप शुरुआत में इसे 3 से 5 बार कर सकते हैं। अब करेंगे मत्स्य आसन। मत्स्य आसन की प्रैक्टिस पीठ के ऊपरी हिस्से की मसल्स को आराम देने में मदद कर सकती है, जिससे स्पाइनल कॉर्ड मजबूत होती है। ये पेट के अंगों की मालिश करने में मदद कर सकता है और कॉन्स्टिपेशन से राहत दिला सकता है। आइए अभ्यास करते हैं। कमर के बल लेट जाएं और अपने हाथों और पैरों को शरीर के साथ जोड़ लें। हाथों को कूल्हों के नीचे रखें, हथेलियां जमीन पर रखें। सांस अंदर लेते हुए अपनी छाती को उठाते हुए सिर को पीछे की ओर ले जाएं। सिर को जमीन पर आराम से छूते हुए अपने कोहनियों को जोर से जमीन पर दबाएं। सारा भार कोहनियों पर डालें
सिर पर नहीं। जब तक हो सके आसन में रहें, लंबी गहरी सांसें लेते रहें। मुद्रा से बाहर कैसे आएं? सिर को ऊपर की ओर उठाएं, छाती को नीचे करते हुए वापस आएं। दोनों हाथों को वापस शरीर के दाएं बाएं लगा लें और विश्राम करें। चौथा अभ्यास है पश्चिमोत्तानासना। पश्चिमोत्तानासन करने की विधि, पैरों को सामने की ओर फैलाते हुए बैठ जाएं। रीढ़ की हड्डी सीधी रखें, उंगलियां तनी हुई, पैरों के बीच में दूरी ना हो और जितना संभव हो पैरों को सीधा रखें। सांस भरते हुए दोनों हाथों को सर के ऊपर उठाएं और खींचें। सांस छोड़ते हुए कूल्हे के जोर से आगे झुकें। ठुड्डी पंजों की ओर रीढ़ की हड्डी को सीधा रखते हुए घुटनों पर झुकने की बजाय अपना ध्यान पंजे की ओर बढ़ाने पर केंद्रित करें। यदि आप अपने पंजों को पकड़कर खींच सकें तो आपको आगे झुकने में मदद मिलेगी। सांस भरते हुए धीरे से सर को उठाएं और सांस छोड़ते हुए हल्के से नाभि को घुटने की ओर ले आएं और अपने सिर और माथे को घुटनों से छूने की कोशिश करें। बाहों को झुकाएं और कोहनी से जमीन को छूने की कोशिश करें। श्वास को पूरी तरह छोड़ दें और इसी मुद्रा में कुछ देर तक बने रहें। मुद्रा से बाहर आने की विधि, सांस भरते हुए अपने हाथों की ताकत से वापस आते हुए आराम से बैठ जाएं और सांस छोड़ते हुए हाथों को नीचे ले आएं और सामान्य स्थिति में बैठ जाएं। पांचवा अभ्यास है अनुलोम विलोम प्राणायाम। अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखते हुए आराम से बैठ जाएं। आप पद्मासन या सुखासन पर बैठ सकते हैं। सुनिश्चित करें कि आपका बायां हाथ सीधा है और आपने अपनी हथेली को घुटनों पर रखा है और अपनी उंगलियों को ज्ञान की मुद्रा पर रखना चाहिए। अब अपनी आंखें बंद करें। अपने दाहिने नथुने को दाहिने अंगूठों से बंद करें और एकाग्रता बढ़ाने के लिए अपनी तर्जनी उंगली को तीसरे नेत्र पर रखें। फेफड़ों को भरने के लिए बाएं नथुने से थोड़ा सा बल लेकर सांस लें। अब अपनी बाएं नासिका को मध्यमा उंगली से बंद कर लें और अपने अंगूठे को दाईं नासिका से छोड़ें। दाईं नासिका से श्वास छोड़ने और फिर उसी दाईं नासिका को थोड़ा बल लगाकर श्वास लें। फिर से अपनी दाहिनी नासिका को दाहिने हाथ के अंगूठों से बंद कर लें और बाईं नासिका से श्वास छोड़ें। इस प्रकार से ये एक चक्र पूरा होता है। इस प्रक्रिया को 5 से 10 मिनट तक दोहराएं। शुरुआत में 2:2 का रेशियो रखें, अर्थात अगर आप सांस लेने में 2 सेकंड का समय लेते हैं तो 2 सेकंड में सांस को बाहर भी करें। भारी बारिश में बीमार होने से बचने के लिए बाहर जाते समय अपना रेनकोट और अम्ब्रेला लेना याद रखें। तापमान में उतार चढ़ाव, पॉल्यूशन और वाटर कंटामिनेशन, ये सब इन्फेक्शन और मॉनसून रिलेटेड बीमारियों के बहुत ही कॉमन कॉजेज होते हैं। बाहर खाने से बचें और हल्का ताज़ा और घर का बना भोजन चुनें जो पेट के लिए आसान हो। इन योग तकनीकों का अभ्यास करके और स्वस्थ लाइफस्टाइल अपनाकर आप अपने इम्यून सिस्टम को मजबूत कर सकते हैं, फिट रह सकते हैं और मॉनसून के मौसम का पूरा आनंद ले सकते हैं। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी एक अच्छी एक्टिव हेल्दी लाइफस्टाइल की प्रैक्टिस करें और इस मॉनसून का आनंद उठाएं।
इस वीडियो को जितना हो सके अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं और मेरा सात्विक जीवन का परिवार फिर से योग और स्वास्थ्य से जुड़ी कुछ नई जानकारियों के साथ आपसे जल्द ही मिलेंगे। धन्यवाद। स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। आत्मा और परमात्मा के मिलन की इस सात्विक जीवन यात्रा में हमारे संग चलें। दिव्य शक्ति की कृपा हम सब पर बनी रहे। हरिओम तत्सत।